चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी मैंने जो वीडियो डाला था के मैप का, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि अगर हम इतने लेंथी प्रोसेस से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम एक ही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप वही चीज आप सॉल्व करेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 000 हर एक बॉक्स की अगर एक वैल्यू बताइए कि हर एक की ये वैल्यू होगी, और जब डिफरेंट होगा तो हमें नहीं लेना है, जब सेम रहेगा तभी हमें लेना है। तो ये चीजें मैंने आपको लिख के बताइए इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ये सब चीजें लिख के नहीं करनी है, ये सब चीजें आपको मेंटली करनी रहेगी तो आपका वो क्वेश्चन फास्ट होगा। यहाँ पर मुझे एक एक्सप्लेन करना रहता है कि अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं आता है तो वो कैसे सॉल्व करेगा, वो कैसे अपनी थिंकिंग एबिलिटी को स्ट्रांग करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ चीजें लिख के बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पेपर सॉल्व करने के टाइम पर भी बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। ये मुझे लिखना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो जिनको कि बिल्कुल नहीं आता है उसके नजरिए से देख के मुझे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हमेशा आपको इतना टाइम लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप कितने इस जो स्टेप्स है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और अपने टाइम की इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर हमें गिवन है कि अंडर रूट ऑफ 224 बेस रेडिक्स जिसका आर दिया है, और ये 13 बेस रेडिक्स आर दिया है, हमें रेडिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आर की। हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे कि मान लीजिए आपको 123 दिया है बेस 5 में और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 × 5⁻⁰ प्लस 2 × 5⁻⁰ प्लस 1 × 5⁻⁰ 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेस 10 में होगा, बेस 10 में होगा मतलब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिस तरह से हम 5 रेडिक्स को डेसिमल बेस में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है, उसी तरह से हमें इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हम इसको इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो इसको तो अंडर रूट में ही रहने देते हैं। यहां पर 4 का मल्टीप्लाई होगा आर एस टू दी पावर 0 से, प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा आर एस टू दी पावर 1 से, प्लस यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा आर एस टू दी पावर 2 से इज इक्वल्स टू, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई होगा आर एस टू दी पावर 1 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा आर एस टू दी पावर 0 से। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों ही बेस 10 में आ गए हैं, ये दोनों ही किसमें है, डेसिमल बेस में। अब जब दोनों ही डेसिमल बेस में है तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर देते हैं और स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर देते हैं। तो अब यहां पर क्या बनेगी, इक्वेशन आ जाएगी 2r² + 2r + 4 = r + 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, -b + √b² - 4ac/2 है, उससे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर r की वैल्यू आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -1 और दूसरी आएगी +5। हमें नेगेटिव नंबर हम रेडिक्स में कंसिडर नहीं करते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा r = 5, तो हमारा आंसर होगा सी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ सिग्नल पासिंग थ्रू अ गेट is inhibited by sending a low into one of the input, then the output is high. पहले क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर किसी गेट में अगर हम लो इनपुट देते हैं किसी भी एक वन इनपुट पे, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम टू इनपुट गेट की अगर हम बात करें तो ए और बी हमारे पास दो इनपुट पैरामीटर्स हैं और हमारे पास एक आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो हम एक इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हमें बोला है कि किसी एक पे हमने लो इनपुट दे दिया, लो मतलब 0 और हाई मतलब 1, तो अगर हमने किसी एक पे भी तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हमारा ट्रुथ टेबल हो गया। और इसमें बोला है कि अगर किसी एक पर भी बाय सेंडिंग अ लो इनटू वन ऑफ द इनपुट द आउटपुट इज हाई, मतलब अगर किसी एक पे भी अगर हमने 0 इनपुट दे दिया मतलब लो इनपुट दे दिया तो उसका आउटपुट जो है वो हाई है। मतलब कि अगर इन दोनों इनपुट पैरामीटर में से किसी भी अगर एक पैरामीटर की वैल्यू 0 है, लो है मतलब 0 है, तो अगर इन दोनों में से किसी एक भी पैरामीटर की अगर वैल्यू 0 है तो उसका आउटपुट जो आएगा वो हाई आएगा मतलब 1 आएगा। तो मतलब 0 0 पर 1 आएगा, 0 1 पर भी 1 आएगा, 1 0 पर भी 1 आएगा, लेकिन 1 1 क्योंकि 1 1 पे दोनों ही इनपुट क्या है, हाई है, तो जब दोनों ही इनपुट हाई होंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, लो आएगा। तो ये अगर इस तरह से अगर कोई गेट परफॉर्म करता है तो वो किस गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर आपको दिया है नॉर नैंड एंड एंड और। तो अब यहां पर आप देखिए कि एंड क्या होता है, एंड होता है कि ये जब दोनों सेम होते हैं तो हमको देता है 0, ये जब इसमें से अगर एक भी 0 होता है तो हमें क्या देता है, 0, और जब दोनों सेम होते हैं तो 1 देता है, तो ये हमारा एंड देता है, और उसका अगर हम नॉट कर दे तो नैंड हो जाता है। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रुथ टेबल, ये कौन सा गेट है,
ये हमारा NAND गेट है, तो इसका आंसर हो गया NAND।